ओके तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी। ये एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें हमारे आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है। अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके आप उस इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं आप नोटिस करेंगे कि उस इंट्रोडक्शन से कंप्लीटली रिलेटेड है। वहां हम ऑलरेडी ये चीजें करके आ चुके हैं। आप अगर इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं तो इनके आराम से आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए ऑल नंबर्स। तो क्या हर नेचुरल नंबर ऑल नंबर होता है? तो अभी देखिए कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन कैसा है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा ये। तो ये क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्टिंग हो रही है, 1, 2, 3, ये काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। जबकि अगर हम होल नंबर्स के कलेक्शन को देखें तो वो देखिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 0 से। और फिर आप नोटिस करेंगे कि वो सारे नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर में भी है, यानी कि इतना जो पोर्शन है वो पोर्शन होल नंबर में क्या है, बिल्कुल नेचुरल नंबर्स का ही है, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर भी है उसमें। तो ऑब्वियस ही बात है जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 है, 1 को होल नंबर भी बोल सकते हैं, 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी, 4, 5 एंड सो ऑन सभी को बोला जा सकता है, यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होते हैं। तो यानी कि क्या हो गई, ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें होल नंबर पे तो काम करना है, होल नंबर वाला कलेक्शन तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है, क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? तो क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? तो अब इंटीजर के कलेक्शन को और देखते हैं एक बार। देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स एक्चुअल में हमारे पास देखिए ये होल नंबर वाला कलेक्शन तो होता ही है, साथ साथ हमारे पास उसका नेगेटिव पोर्शन भी होता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कंप्लीट नंबर्स। तो अभी देखिए कि इस इंटीजर्स में ये जो इतना कलेक्शन है वो कलेक्शन तो होल नंबर्स बोला जा सकता है, बट व्हाट अबाउट -1, -2, यानी कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसका क्या, वो होल नंबर में होते ही नहीं। तो इट मीन्स हम -1 को होल नंबर नहीं बोल सकते, -2 को भी नहीं बोल सकते। तो यानी कि कुछ पोर्शन है ऐसा जिनको तो होल नंबर बोला जा सकता है लेकिन सभी को नहीं, एवरी की बात हुई है ना। तो यानी कि इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं, नेगेटिव में से कोई भी एक नंबर लेकर के बोल सकते हैं कि लाइक -2 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। ओके, इन द सेम वे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें रेशनल नंबर्स पे काम करना है। तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या कलेक्शन आ गया, ये तो है ही कंप्लीट नंबर्स का कलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास डेसिमल फॉर्म भी तो है। ये देखिए 0.5 नेगेटिव में, -1.4 एंड सो ऑन, यानी कि डेसिमल पोर्शन के साथ साथ हमारे पास कंप्लीट नंबर भी हैं, 0, 1, 2, यहां हमारे पास जैसे -2 भी आ जाए। ठीक है, तो अब आप ही देखिए यहां पर जो ये कंप्लीट नंबर्स के बाद जैसे 0 हो गया, 1, 2 ऐसे आगे 3, 4 समथिंग जो आएंगे, सिर्फ उस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको तो हम क्या नाम दे सकते हैं, होल नंबर्स। बट व्हाट अबाउट दीज 0.3, 1.7, -1.5, 1, -1.4 और इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स हैं, वो तो रेशनल नंबर्स तो हैं बट वो होल के कलेक्शन में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है उनको हम होल नंबर्स नहीं बोल सकते, और यहां पर एवरी की ही बात हो रही है, पर्टिकुलर कुछ एक की बात नहीं हो रही है ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस आल्सो।